भारत की दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी अशोक लीलैंड को रिसेंटली भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहां पर अशोक लीलैंड इस काम को मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में करेगी और चीन से इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर रिसेंटली अशोक लीलैंड को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 300 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर करने और उनकी आपूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट में 5 अदर कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वीरा, JBM, टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रा और अशोक लीलैंड, ये सभी कंपनियां शामिल थी। लेकिन सबसे कम बोली लगाने वाली यहां पर अशोक लीलैंड कंपनी उभर कर सामने आई, जहां पर BMTC के द्वारा ये 5वां कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जारी किया गया है। यहां पर इन सभी बसों को नॉन AC इलेक्ट्रिक बस के रूप में तैयार किया जाएगा। इसी के साथ में रिसेंटली अशोक लीलैंड ने अहमदाबाद में भी कुछ अपनी इलेक्ट्रिक बसों को उतारा है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि उनकी 50 इलेक्ट्रिक बसों ने लगभग 30 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। वहीं द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो BMTC की तरफ से लगभग प्रति बस 88 लाख रुपए की सब्सिडी भी देने का आयोजन किया गया है, जिससे कंपनियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बना करके कम्प्लीट करने वाली है। इसी के साथ में अगर हम अदर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1900 इलेक्ट्रिक बस को बनाने में भी अशोक लीलैंड बहुत बड़ा सहयोग देने वाली है, जिसमें 200 इलेक्ट्रिक बसेस तैयार की जाएंगी, जो कि डबल डेकर बसेस होंगी। तो ये भी भारत के अंदर चल रही ग्रीन क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे कार्बन को डाउन करने में भारत के अंदर बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। वैसे आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।